तो हाँ भाई, जी भी व्हाट्सएप यूज़ करने वालों, क्या हाल है? कैसे हो? ठीक ठाक हो? कोई नई पुरानी खबर? अच्छा, तो बताना ये था कि अगर आप वाकई जी भी व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आपके लिए खुशखबरी है, वो ये कि आप हैक होने वाले हो। मुबारक हो। तो जी हाँ, कैसा लगा सुनकर कि आप हैक होने वाले हो? और मैं वाकई मजाक नहीं कर रहा, अगर आप जी बी व्हाट्सएप यूज़ करते हो तो आप ऑलरेडी हैक हो रहे हो। आपकी जो प्राइवेसी है वो ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ हो रही है, ये क्या पता हो चुकी हो। क्यों? आज थोड़ा इस पर मैं बात करने के लिए इस वजह से आया कि यार काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा कि यार वो जी बी व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हैं। अब ये कोई ऑफिशियली कोई ऐसा अपना सॉफ्टवेयर नहीं है जैसे कि हमारा नॉर्मल व्हाट्सएप है या व्हाट्सएप बिजनेस है, ये मेटावर्स जो कंपनी है ज़करबर्ग भैया की, उनकी है। और ये जो हमारे दूसरे हैं ना, FM व्हाट्सएप और ये GB व्हाट्सएप, ये एक थर्ड पार्टी समझ लो मॉडिफिकेशन है अपने व्हाट्सएप की। अब क्या करते हैं कि जैसे मेरा जैसे एक बंदा हो गया, उसने 3-4 लोगों को जमा करा, अपने जैसे टीम बनाई और उसके बाद नॉर्मल व्हाट्सएप को लिया, उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करें, कोई नए फीचर्स ऐड करें जो कि आप बखूबी अच्छे से जानते हैं, काफ़ी सारे प्राइवेसी के उसके अंदर ऐसे, यानी कि नए फीचर्स ऐड करें और उसके बाद उसको अपनी तरफ से बना के भाई शेयर कर दिया। और वो इंटरनेट पे ही स्क्रॉलिंग करते करते वेब पे आते आते एक जगह से दूसरी जगह शेयर होते हुए, मूव होते हुए, डाउनलोड होते हुए करते करते भाई वो फैल गया। अब आपके पास पहुंचा, आपको पता लगा आपके किसी दोस्त ने इस्तेमाल कर रहा है वो, कि भाई ऐसा व्हाट्सएप है, GB व्हाट्सएप उसका नाम है, आप उसको यूज़ करो, उसके अंदर आप ये कर सकते हो। आपने सुना, आपको बहुत अच्छा लगा, उसके बाद आपने बोला क्यों ना मैं भी ट्राई करूं। जैसे आपने ट्राई करा और आपको ये बात पता भी नहीं है कि भाई आपका डेटा कंप्रोमाइज़ हो रहा है, आपकी प्राइवेसी कंप्रोमाइज़ हो रही है, आप एक तरीके से हैक हो रहे हो और आप बोल रहे हो कि भाई मज़ा आ गया ज़िंदगी का, व्हाट्सएप हो तो ऐसा हो, वरना फालतू व्हाट्सएप, सादा व्हाट्सएप किसको चाहिए? चाहिए किसको? जिसे हम चाहिए उसे हम नहीं चाहिए, और जिसे हम चाहिए उसे कौन चाहिए? खैर, मजाक अपनी जगह। तो यार व्हाट्सएप, मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो नॉर्मल व्हाट्सएप है काइंडली उस पर मूव कर जाओ, ये जो फालतू के हैं GB व्हाट्सएप, FM व्हाट्सएप, इनको बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करो। वो इस वजह से मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ क्योंकि ये बात यार प्रैक्टिकल है कि वो कंपनी आपको फीचर्स वो नहीं दे सकती जो आप एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हो, GB व्हाट्सएप, अपना FM व्हाट्सएप वगैरह वगैरह, यार जो भी इनके नाम है व्हाटएवर। तो क्या जो हमारी ऑफिशियल मेटावर्स कंपनी है वो आपको नहीं दे सकती क्या ये फीचर्स? क्या वो जो 3-4 लोग मिलके बना रहे हैं, क्या वो कंपनी आपको नहीं कर सकती? बिल्कुल कर सकती है यार, लेकिन जो इसके अंदर चीज़ें ऐड हुई हुई हैं वो समझ लें कि इस तरीके से है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसको लोग अपना इंस्टॉल करें। और मेन जो मकसद है उन लोगों का बनाने का वो यही है कि आपका डेटा, आपकी प्राइवेसी, आपके कॉन्टैक्ट्स, आपकी इमेजेस, आपके वीडियोस, ये सारा का सारा डेटा वो अपने पास कन्वर्ट, अपने पास ले लें। मेन मकसद ये, क्योंकि IT की हमारी डिजिटल दुनिया के अंदर मेन चीज़ क्या होती है, सबसे इम्पॉर्टेंट, वो आपकी आइडेंटिटी नहीं होती, वो डेटा होता है, डेटा, ठीक है? और डेटा बहुत बड़ा वेपन है अगर इसको सही से यूज़ किया जाए। आप देख लीजिए ज़करबर्ग को, जो हमारे फेसबुक के ओनर हैं, इनके पास क्या है? गूगल के पास क्या है? क्या है इन लोगों के पास? इन लोगों के पास सिर्फ यूज़र बेस्ड डेटा है बस, और उससे ये अब मिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रहे हैं। मिलियंस ऑफ डॉलर्स तो फिर भी मैंने काफ़ी कम बोल दिया। तो यार देखें कि जैसे कि आपको GB व्हाट्सएप के अंदर जो एडवांस फीचर्स मिलते हैं, काइंडली इनको स्किप कर दें और नॉर्मल व्हाट्सएप पर आ जाएं, वरना आप कंफर्म हैक हो जाएंगे अगर अभी तक नहीं भी हुए तो। अभी हाथ के हाथ अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसको मिनट लगाएं और इसको फटाफट से डिलीट कर दें और नॉर्मल व्हाट्सएप पर शिफ्ट हो जाएं। बकाया जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। भाई आप प्रोफाइल में जाए बगैर ही उसको चेक कर सकते हो ऊपर से ऑनलाइन है कि नहीं है। नॉर्मल व्हाट्सएप में हम ये नहीं कर सकते, अंदर जाके प्रोफाइल में जाके देखना पड़ता है ऊपर ऑनलाइन लिखा आ रहा होता है तो। इसके अलावा और अगर मैं आपको ये बताऊं तो आप ये देखें, काफ़ी सारे हो रहे हैं यार, जैसे नॉर्मल व्हाट्सएप के अंदर आपने मैसेज सेंड करा, 7 मिनट के अंदर आप डिलीट फॉर ऑल कर सकते हैं, उसके बाद वो नहीं होता, सिर्फ उसके बाद 7 मिनट के बाद ओनली डिलीट फॉर मी होता है। लेकिन ये जो आपका
प्यारा सा व्हाट्सएप है ना, कौन सा जीबी व्हाट्सएप, इसके अंदर आप एक घंटे के बाद भी भाई वो डिलीट फॉर ऑल कर सकते हैं। और इस तरीके से पता नहीं कौन कौन सी प्राइवेसी है। खैर तो यार इस वीडियो का मकसद जस्ट आपको अवेयर करना था कि आप अवेयर हो जाएं और इन चीज़ों से दूर रहें, वरना आपका बिला वजह में कोई ना कोई नुकसान हो जाएगा। तो यार इस उम्मीद के साथ कि आप अपने नॉर्मल व्हाट्सएप पे शिफ्ट हो जाएंगे और अपने जो डेटा है उसकी प्रोडक्शन करेंगे, प्रोटेक्शन, ठीक है। तो मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा, मेरा नाम शाज़िब दानिश है। फी अमान अल्लाह।